अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बी हेल्दी विद आज में आपको वेलकम करती हूं। और आज मैं आपको डायबिटीज़ यानी कि शुगर के बारे में बताऊंगी कि उसको हम 100% कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लालाज बीमारी है। इसकी आज तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं निकली है कि जो इसको जड़ से ख़त्म करे। हाँ, कंट्रोल 100% हो सकती है अगर आप अपनी खुराक अच्छी रखें, अगर आप अपनी वॉक अच्छी रखें, टाइम मेडिसिन लें, इंसुलिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो टाइम पे लगाएं, तो आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये डायबिटीज़ आपको कुछ नहीं कहती अगर आप इसका सही इसे अगर जो चीज़ें इसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर बताते हैं या जो इस कंट्रोल करने के लिए बताई जाती हैं उनको अगर आप कंट्रोल करें, क्योंकि डायबिटीज़ आपके लिए कुछ नहीं कहती। इसके साथ ही आप ज़िंदा रह सकते हैं अगर आप अपनी मेडिसिन सब कुछ सही रखें तो। कुछ नहीं, चीनी से नहीं होती है। जब हो जाती है शुगर उसके बाद चीनी को नहीं खाना चाहिए, लेकिन यह है कि चीनी से शुगर नहीं होती है, जिससे में इंसुलिन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से आपको शुगर जो है वो होती है। बाकी चीज़ें जो है वो इसको कंट्रोल करती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि इसको अच्छी तरह से कंट्रोल करे, एक जो हमारे किचन में ही मौजूद होती है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो हम अब उस पर बात करेंगे कि वो हमारी डायबिटीज़ यानी शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकती है। तो वो है दालचीनी, सिनेमन। दालचीनी का सबको आइडिया है, सबको पता है कि दालचीनी क्या होती है। हमारे मसालों में जो रोज़मर्रा के वो जो भी हम चीज़ें खाते हैं उन सब में यूज़ होती है दालचीनी। आपने किस तरह यूज़ करनी है, आप इसका कावा बना के पी सकते हैं, लेकिन दिन में एक दफ़ा, बार बार नहीं पीना, क्योंकि ये आपके इंसुलिन मज़ीद लो कर सकती है। ये बड़ी तेज़ी से जो है वो जिस्म में जो इंसुलिन मकदार जो है वो बढ़ाती है, इसलिए दिन में सिर्फ एक दफ़ा। इसको ज़्यादा उबाले नहीं देने के, उसमें आपने उबाल के तो उसको उबाले देते रहना है, बल्कि खोलते हुए पानी में बस 1.5 इंच का टुकड़ा 10-15 मिनट के लिए रख दें तो वो पी लें, तो इतने में ही आपको, क्योंकि उसका सारा जो है असर वो निकल आता है पानी में। दूसरे नंबर पे आप उसका पाउडर बना के रख लें, तो जो भी आप खाना खाने लगें तो आप उस पर छिड़क के जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसका कावा नहीं पी सकते तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून या 1/2 टेबल स्पून आप पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक उसका कावा बना के पी लें थोड़ा सा, या खानों में फ्रूट चाट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो दालचीनी है ये डायबिटीज़ में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है, तो पीस के रखिए उसको दालचीनी को, और जैसे भी है इसको इस्तेमाल करें, लेकिन आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह आपको 100% जो है इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो यही है कि आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है। बाकी कोई भी मसला है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बी हेल्दी विद आज से, अल्लाह हाफिज़।